1988 में एक दोपहर एडम ट्रॉम्बले था एस्पन के बाहर अपने घर पर आराम कोलोराडो जब अचानक एक अप्रत्याशित दस्तक आई उसके सामने के दरवाजे पर। यह उसका दोस्त और सहयोगी बॉब था, ड्रेच ए साइंटिस्ट और दुनिया के प्रमुख विशेषज्ञों में से एक। माइक्रोवेव प्रौद्योगिकी पर ड्रेच ने अभी अभी निर्माण पूरा किया था। एक नए माइक्रोवेव डिटेक्शन डिवाइस का वह आविष्कार किया था और इसे किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाने के लिए उत्सुक था जो इसकी सराहना कर सकते हैं। ट्रॉम्बी के कार्यालय ड्रेच में स्थापित करना उसके पास कुछ ढीला परिवर्तन मिलाते हुए खड़ा था। उनकी जेब में, जैसा कि ट्रॉम्बले ने उस पर डिवाइस की ओर इशारा किया, इरादा यह दिखाने का था कि आविष्कार कैसे हुआ। मिनट के संकेतों का भी पता लगा सकता है। जिंगलिंग सिक्के उत्पन्न प्रदर्शन ट्रॉम्बले के दौरान आधे अधूरे तरीके से उपकरण को दूर इंगित किया ड्रेच से और अपने कार्यालय की खिड़की के बाहर क्षण पर जब चौंकाने वाली मशीन के अलार्म जाने लगा। अत्यधिक उच्च माइक्रोवेव का संकेत तरो दो आदमी घर से बाहर भागे और एक छोटे से जंगल में जो कार्यालय की खिड़की का सामना कर रहे थे वे पाकर दंग रह गए। पेड़ों के बीच छिपा एक छोटा एंटीना सीधे शक्तिशाली माइक्रोवेव पेश करना ट्रॉम्बले के घर पर ट्रॉम्बली के लिए सब कुछ अचानक शुरू हो गया। सही बात, उस वर्ष की शुरुआत में उनका निदान किया गया था कैंसर के साथ लंबे समय तक का एक ज्ञात दुष्प्रभाव माइक्रोवेव के संपर्क में। लेकिन यह एंटीना किसके पास से आया था, वहां रख दिया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एडम ट्रॉम्बले क्या था काम कि कोई उसे मारना चाहेगा। यह इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी को बहुत शुरुआत में वापस जाना चाहिए, वापस जब एडम ट्रॉम्बले बस एक था छोटा बच्चा। 1950 के दशक में बड़ा हुआ यह नहीं था एडम ट्रॉम्बले के लिए असामान्य कुछ देखने के लिए। सबसे संयुक्त राज्य अमेरिका में महत्वपूर्ण लोग, उसका परिवार घर, एडम के पिता एक बायोकेमिस्ट थे और ए सजाया वायु सेना अधिकारी, उच्च स्तरीय सैन्य मंजूरी वाला व्यक्ति जिन्हें अक्सर उच्च रैंकिंग द्वारा परामर्श दिया जाता था। सैन्य और सरकारी अधिकारी भी सिया का मुखिया। अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर शीघ्र ही आदम के जन्म के बाद उनके पिता ने एक सरकार में काम करना शुरू किया, सिडनी गॉटलिब के साथ परियोजना वैज्ञानिक जो आगे बढ़ेंगे। सिया की बदनाम एम के अल्ट्रा माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स परियोजना एलएसडी के साथ प्रयोग करेगी। वह मतिभ्रम दवा जो थी इतना खींचना पर अमेरिकी सरकार से ब्याज। समय जब परियोजना के सदस्यों में से एक फ्रैंक ओल्सन नाम का आदमी गिरने से जाहिरा तौर पर अप्रत्याशित रूप से मर गया। होटल के कमरे की खिड़की से बाहर एडम के पिता आश्वस्त थे कि वह था में उसकी संलिप्तता के लिए हत्या कर दी गई परियोजना और इसलिए उन्होंने एक अधिकारी दर्ज करने का जोखिम उठाया। शिकायत इतना ही नहीं, शिकायत अनसुनी हो गई। लेकिन एडम के पिता के अनुसार इसके परिणामस्वरूप कुछ और बुरा हुआ। अपनी शिकायत दर्ज करने के तुरंत बाद एडम के पिता को एक के लिए ले जाया गया था, एक नए जैविक के खिलाफ टीकाकरण युद्ध एजेंट, एक उच्च रैंकिंग के रूप में उनकी स्थिति का हिस्सा सैन्य अफसर। लगभग तुरंत बाद को छोड़कर कथित टीकाकरण प्राप्त करना। वह बीमार पड़ गया और उसे विश्वास दिलाया कि उसके पास है वास्तव में एक जीवित वायरस के साथ इंजेक्शन लगाया गया है। उसकी शिकायत के लिए प्रतिशोध के रूप में कुछ सालों बाद वह कैंसर से मर जाएगा उन्होंने खुलकर मार डाला और अब उन्होंने मुझे मार डाला है। मरने से पहले लिखो, अपने पिता के गुजर जाने के लगभग एक दशक बाद दूर एडम ट्रॉम्बले उसकी मदद कर रहा था। माँ जब वह ठोकर खाई तो उसके अटारी को साफ करें, एक बॉक्स जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, अंदर उसके पिता के ढेर थे, गुप्त रूप से लिखी गई पत्रिकाएं और सैन्य नियमों की अवहेलना में अपनी स्थिति में एक आदमी के लिए पत्रिकाओं के अंदर ऐसे शब्द थे जो साइंस फिक्शन की तरह पढ़े। उन्होंने गुप्त सरकारी परियोजनाओं की बात की और अविश्वसनीय उन्नत प्रौद्योगिकियां। पेज के बाद पेज पढ़ना एडम मजबूर था कि अपनी समझ को फिर से परिभाषित करने के लिए। दुनिया जैसा वह जानता था
और फिर से कल्पना करें कि उसने की खोज की थी। उसके पिता की पत्रिकाएं आदम को स्थापित करेंगी। क्रॉम्बली एक पथ पर जिसके लिए वह अनुसरण करेगा। उसका शेष जीवन वह पहले विशेषज्ञ बनेंगे भूभौतिकी और विद्युत चुंबकीय प्रणाली, फिर एक आविष्कारक जो के प्रकारों पर काम कर रहा है। प्रौद्योगिकियों के बारे में उन्होंने पढ़ा था। पत्रिका के पन्नों पर 1980 तक अभी नहीं 30 साल पुराना ट्रॉम्बले था। एक उपकरण का आविष्कार किया जो उनका मानना था वास्तव में क्रांतिकारी होगा। उन्होंने इसे बंद पथ होमोपोलर कहा। जनक और उन्होंने आरोप लगाया कि यह उत्पादन करने में सक्षम था की तुलना में इसे दूसरे शब्दों में रखा गया था। ट्रॉम्बले ने कथित तौर पर एक बनाया था उपकरण जो ऊर्जा उत्पन्न करता है। कुछ भी नहीं से यह असंभव लग सकता है। वास्तव में भौतिकी के नियमों के अनुसार यह है। ऊष्मप्रवैगिकी का दूसरा नियम कहता है कि दक्षता इससे अधिक नहीं हो सकती। अधिक सरलता से आप अधिक ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते आपके द्वारा डाले गए किसी चीज से बाहर। हालांकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह है गलत। क्वांटम भौतिक विज्ञानी के अनुसार कुंजी जॉन व्हीलर, क्या वह जगह खाली नहीं है? यह है सबसे की सीट। 1940 के दशक में हिंसक भौतिकी डच भौतिक विज्ञानी हेंड्रिक कोसिमिर माना कि रिक्त स्थान खाली नहीं थे रिक्तियों जैसा कि आमतौर पर माना जाता है, बल्कि यह कि उनमें उतार चढ़ाव था। ब्रह्मांडीय विद्युत चुंबकीय तरंगों का माना कि दो धातु धारण करके लेटे एक वैक्यूम में एक साथ बेहद करीब इन लहरों के बीच फंस सकता है। उन्हें एक निर्वात ऊर्जा का निर्माण जो कर सकता है आकर्षित या पीछे हटाना। लेटों को उन्होंने इसे कासिमिर कहा। प्रभाव संक्षेप में ऊर्जा बनाने का एक तरीका कुछ नहीं। चूंकि शुरू में प्रभाव पोस्ट किया गया था बहुतों द्वारा मापा और सिद्ध किया गया था वैज्ञानिकों और हाल पुट ऑफ के अनुसार एक पूर्व जनरल इलेक्ट्रिक में इंजीनियर और अमेरिकी विभाग के सलाहकार रक्षा ये सिर्फ फ्रिंज वैज्ञानिक नहीं है। विज्ञान कथा विचारों के साथ वे मुख्य धारा के विचार हैं। मुख्य धारा की भौतिकी पत्रिकाओं में प्रकाशित और मुख्य धारा द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है। सैन्य और नासा टाइप फंडर उन लोगों के लिए जो मुक्त ऊर्जा की अवधारणा पर विश्वास करें असंभव है। कई लोगों ने कहा है कि कासिमिर प्रभाव एक सिद्ध उदाहरण है मुक्त ऊर्जा का जिसे खारिज नहीं किया जा सकता। यह इस प्रकार था विज्ञान का वह एडम ट्रॉम्बले था पर निर्माण अपने बंद पथ के निर्माण में होमोपोलर जनरेटर और उसके अनुसार उसके काम का महत्व बहुतों को अतिरंजित नहीं किया जा सकता है। पूर्व प्रिंसटन के शब्दों में विश्वविद्यालय भौतिकी के प्रोफेसर और नासा अंतरिक्ष यात्री ब्रायन ओलेरी ये प्रौद्योगिकियां हैं। बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण बात जो हुई है दुनिया का इतिहास 1980 तक ट्रॉम्बले के लिए आवेदन करेगा अपने डिवाइस के लिए पेटेंट। इसे एक आविष्कार मानते हुए मानवता की राह बदल देंगे। ट्रॉम्बले के महान आश्चर्य के लिए अभी तक बहुत कुछ उनके पेटेंट आवेदन में देरी हुई और इनकार किया और वर्षों से वह अस्तित्व में था। लिम्बो की तरह वह अधीरता से एक रहस्य पर बैठा है। माना जाता है कि लोगों को जानने की जरूरत है। अंततः 1989 में ट्रॉम्बले को आमंत्रित किया गया था उसके उपकरण का प्रदर्शन दें संयुक्त राष्ट्र में एक उपयुक्त स्थल। ट्रॉम्बली ने सोचा इस महत्व की खोज के लिए प्रस्तुति में राजनयिकों ने भाग लिया। इंजीनियर वैज्ञानिक और वॉल स्ट्रीट अधिकारियों सभी चुभती निगाहों से यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि क्या ट्रॉम्बले ने कहा कि उसने बनाया था किसी भी आरोप को रोकने के लिए वास्तविक हो सकता है। धोखाधड़ी का ट्रॉम्बले ने एक वरिष्ठ इंजीनियर को अनुमति दी पहले से डिवाइस की जांच करने के लिए बोइंग। कई घंटे तक इंजीनियर ने चेक किया हर कल्पनीय चाल के लिए ट्रॉम्बली इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कुछ नहीं मिला। प्रदर्शन पूरी तरह से साथ चला गया। दर्शकों में से कुछ की आंखों में आंसू आ गए। विश्वास है कि उन्होंने वास्तव में कुछ देखा था ऐतिहासिक। जैसे ही कांपली मंच से चला गया वह प्राप्त किया एक राजनयिक सबसे लंबे समय तक खड़े रहने में से एक कहा जाता है में जय जयकार
संयुक्त राष्ट्र का इतिहास यह ट्रॉम्बले का लग रहा था। आविष्कार अंत में मिल जाएगा। ध्यान जिस पर वह विश्वास करता था पूरी तरह से योग्य, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ मना पाता, अनोखा, भीड़ में वहाँ ट्रॉम्बले की नजर पड़ी। देखने वालों का वॉल स्ट्रीट के अधिकारियों का एक समूह था। वित्तीय समर्थकों के रूप में पहचाने जाने वाले पुरुष ट्रॉम्बले जैसे अन्वेषकों की ट्रॉम्बले के सबसे करीबी में से एक के आसपास मंडराया। दोस्त, वे ट्रॉम्बले के बारे में क्या बात कर सकते हैं? आश्चर्य, उसका दोस्त न तो वैज्ञानिक था और न ही किसी ने ट्रॉम्बले अपने विचार साझा किए के साथ काम। जब उन्होंने बोलना समाप्त किया, अधिकारियों ने ट्रॉम्बले से संपर्क किया। चिंतित देखकर आपके मित्र ने अभी अभी बताया हमें कि आपने प्रदर्शन को नकली बनाया। एक ने कहा, यह स्तब्ध ट्रॉम्बले, उन्होंने हर संभव कदम उठाया था उसकी वैधता साबित करें। प्रदर्शन, फिर भी यह टूटता हुआ दिखाई दिया। यह एक क्षण, उसका दोस्त ऐसा कैसे कह सकता था? क्यों? अधिकारियों ने तब ट्रॉम्बले को सूचित किया कि चूंकि उसने कथित तौर पर अपना नकली किया था प्रयोग, उसके काम के लिए कोई भी और सभी भविष्य के वित्त पोषण काट दिया जाएगा। उस पल ट्रॉम्बले ने सोचा कि वह जानता है क्या हुआ था। उसका दोस्त उसके जीवन में बस आया था। उसके बाद पहले अपनी मुफ्त ऊर्जा के लिए पेटेंट के लिए दायर किया। युक्ति, ट्रॉम्बले को यह स्पष्ट लग रहा था कि उसका तथाकथित दोस्त किसी प्रकार का ऑपरेटिव रहा होगा जिसने उसके जीवन में घुसपैठ की थी। उसे तोड़फोड़ करने के इरादे से निर्णायक पल, शायद यह एक पागल की तरह लगता है बल देकर कहना, लेकिन याद रखें कि ट्रॉम्बले के समय पहले से ही एक एंटीना की खोज की थी। वह अपने घर पर माइक्रोवेव पेश कर रहा है था, पहले से ही कैंसर से लड़ रहे थे। शायद उन्हें पागल होने का कारण ट्रॉम्बले खुद स्वीकार करते हैं कि कहानी उसके जीवन का कुछ ऐसा लगता है एक बुरा जासूसी उपन्यास, और वास्तव में यह जाता है माइक्रोवेव एंटीना या दीवार से बहुत दूर। सड़क अधिकारी उसकी ऊंचाई पर एक समय था अनुसंधान जब उनकी प्रयोगशाला थी। तोड़फोड़, वो केवल एक चीज जो बची थी वह थी के लिए काम कर रहे यांत्रिक चित्र की ट्यूब, वह जनरेटर शायद समझाया जो मैंने छुपाया था मेरे जाने से पहले एक निलंबित छत के नीचे, तब ट्रॉम्बले के अनुसार थे गिनती। उनके जीवन पर 50 से अधिक प्रयास शामिल हैं। वास्तव में गंभीर जहर और असंख्य समय जिसमें मेरी पत्नी को मुझे पुनर्जीवित करना है और मुझे देना है CPR, शायद यह एक बुरे जासूस की तरह लगता है। उपन्यास प्रकार पर काम करने वाले लोगों को छोड़कर ट्रॉम्बले काम कर रहा था। इस तरह की कहानियां ही सब कुछ नहीं है दुर्लभ। एक दिन पुरुष उसके तंत्र को जोड़ देंगे ब्रह्मांड के बहुत पहिया कार्य के लिए, और वही ताकतें जो प्रेरित करती हैं ग्रह अपनी कक्षाओं में और उनका कारण बनते हैं घुमाना, अपनी खुद की मशीनरी घुमाएंगे। ये थे महान आविष्कारक के शब्द। निकोला टेस्ला अपनी ऊंचाई पर अविश्वसनीय कैरियर। टेस्ला अपना अधिकांश समय को समर्पित कर रहे थे मुक्त ऊर्जा की अवधारणा। विश्वास करना संभव है और में टैप करना संभव है, ऊर्जा का उपयोग करें। 1905 में ब्रह्मांड में निहित उन्होंने कला शीर्षक से एक पेटेंट दायर किया। संचारण प्राकृतिक के माध्यम से विद्युत ऊर्जा मध्यम, और बाद में उस वर्ष का निर्माण समाप्त हो गया। अविश्वसनीय शोरहम न्यूयॉर्क में टावर था कि प्राकृतिक ऊर्जा को पंप करने के लिए डिजाइन किया गया। पृथ्वी आकाश की ओर जहां इसका उपयोग किया जा सकता है। घर और वाहन छोटे एंटेना का उपयोग करना। जब ऐसा लग रहा था कि टेस्ला को अपने लक्ष्य का एहसास होगा, उसकी फंडिंग अचानक खींच ली गई। महत्वपूर्ण रूप से उसका दाता एक था, J.P. मॉर्गन, वित्तीय टाइकून जो बन जाएगा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक। मोटे तौर पर फंडिंग और मुनाफाखोरी से जीवाश्म ईंधन कंपनियां और जनरल इलेक्ट्रिक, दूसरे शब्दों में मॉर्गन बन गया था उद्योगों से दूर एक धनी व्यक्ति जो ढह जाएगा अगर टेस्ला का फ्री एनर्जी सिस्टम कभी हकीकत बन गया। करीबी लोगों के अनुसार स्थिति मॉर्गन ने न केवल खींच लिया टेस्ला को अपनी खुद की फंडिंग, बट
भविष्य के किसी भी तरीके को उद्देश्यपूर्ण ढंग से खंगाला गया। टेस्ला पैसा जुटा सकता है, पर्याप्त धन के बिना टेस्ला होगा कि ऊंचाइयों पर फिर कभी न पहुंचे। वार्डन क्लिफ टॉवर, हालांकि उन्होंने इस पर काम करना जारी रखा। मुक्त ऊर्जा की अवधारणा, पर्दे के पीछे और बाहर, सुर्खियों। अंतत 1943 में टेस्ला को वह ब्रेक मिला जो उसने किया था, इंतजार कर रहा था। जब वह एक बैठक की खरीद करने में सक्षम था अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, जिसके दौरान समय उसे मौका दिया जाएगा राष्ट्रपति को समझाने के लिए कि कितना असली और बहुत संभव मुक्त की अवधारणा ऊर्जा वास्तव में दुर्भाग्य से था, टेस्ला उस बैठक में नहीं पहुंचेगी। कुछ समय पहले इसे लेने के लिए निर्धारित किया गया था। स्थान, न्यूयॉर्क में टेस्ला मृत पाई गई। शहर के होटल के कमरे में वह रह रहा था। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद कमरा था अमेरिकी सरकारी अधिकारियों द्वारा बह गए, जो टेस्ला के सभी दस्तावेज एकत्र किए और उन्हें सीधे FBI को भेज दिया। जो दस्तावेज निहित थे वह कभी नहीं था प्रकट किया, केवल इतना कि वे FBI के शब्दों में थे। निर्देशक जे एडगर हूवर, सबसे गुप्त, क्या यह संभव है कि रहस्य एक थे मुक्त ऊर्जा और एक प्रौद्योगिकी? JP मॉर्गन ने सोचा कि वह रोके रखा, वे सभी दशक पहले और ये हैं रहस्य के प्रकार जो प्राप्त कर सकते हैं व्यक्ति। टेस्ला के रूप में लगभग उसी समय मारे गए, काम कर रहा था मुक्त ऊर्जा की उनकी अवधारणाओं पर समकालीन नाम टी हेनरी मोरे कुछ कर रहा था समान। मोरे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जो 1920 और 30 के दशक एक ऊर्जा उपकरण विकसित किया जो उसने जोर दिया शक्ति उत्पन्न कर सकता है। बिना किसी मानव निर्मित इनपुट के उन्होंने कॉल किया यह मोरे वाल्व, यह समझाते हुए कि मैं ट्यूनिंग करके ब्रह्मांड की दीप्तिमान ऊर्जा डिवाइस पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। शक्ति अपने स्वयं के प्रवेश द्वारा एक छोटा कारखाना वह के काम से बहुत प्रभावित थे। टेस्ला 1930 के दशक के दौरान मोरे ने दिया करने के लिए अपने डिवाइस के प्रदर्शन वैज्ञानिकों और राजनेता जिनमें से कोई भी नहीं कर सकता किसी भी धोखाधड़ी का पता लगाएं। हालांकि मोरे के पास उसका पेटेंट था, डिवाइस के लिए आवेदन उसके बावजूद बार बार खारिज कर दिया। प्रदर्शनों उन्हें पेटेंट कार्यालय द्वारा नो में बताया गया था अनिश्चित शर्तें कि मुक्त ऊर्जा जैसी कोई चीज नहीं होती, इससे भी बदतर उसकी प्रयोगशाला में तोड़फोड़ की गई थी एक से अधिक अवसर और वह अक्सर मौत का प्राप्त करता था। धमकी, यहाँ तक कि वह अपनी कार बनाने के लिए भी चला गया बुलेट प्रूफ, क्योंकि उसने कई बार अपना दावा किया वाहन को गोली मारी गई थी। रहस्यमय हमलावरों और काली कारों द्वारा 1930 के दशक के अंत तक अमेरिकी सरकार ने आदेश दिया कि ग्रामीण से इंजीनियर विद्युतीकरण प्रशासन मोरे के साथ काम करने की अनुमति दी जाए। उसके उपकरण का विकास, यह इन इंजीनियरों में से एक था जिसने एक दिन ने के कामकाजी मॉडल को नष्ट कर दिया। युक्ति, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े करके बाद में सावधान कभी सक्षम नहीं था एक उपकरण का पुनर्निर्माण करें, क्योंकि टेस्ला की तरह वह फिर कभी नहीं हो सका। प्राप्त उनके काम के लिए धन, इस प्रकार के प्रस्ताव देने वाले किसी के आसपास होने वाली घटनाएं, मुक्त ऊर्जा की अवधारणा केवल आधुनिक समय में त्वरित। ब्रूस डी पाल्मा को एक शिक्षित हार्वर्ड ले लो भौतिक विज्ञानी और विषय के प्रोफेसर प्रतिष्ठित मैसाचुसेट्स में प्रौद्योगिकी संस्थान 1970 के दशक के अंत में लगभग दो दशकों तक जैसा कि एडम ट्रॉम्बले अपने पर काम कर रहे थे बंद पथ होमोपोलर जनरेटर डिपल्मा पहले निर्माण कर रही थी एक आविष्कार का कामकाजी मॉडल जिसे उन्होंने कहा था उन मशीन एक उपकरण है जिसके अनुसार उसे प्रांत ऊर्जा निकालने का एक नया तरीका अपनाया। अंतरिक्ष से अविश्वसनीय रूप से उनके परीक्षणों के अनुसार डिवाइस उत्पादन कर सकता है के लिए आवश्यक ऊर्जा का 5 गुना तक चलाओ। 1978 में एक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नाम रॉबर्ट किंशालो ने स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया संदेहपूर्ण नजर वाला उपकरण। ऐसा करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वहाँ है
वास्तव में यहाँ एक स्थिति जिससे ऊर्जा से प्राप्त की जा रही है। पहले अज्ञात और अस्पष्टीकृत स्रोत यह एक है। निष्कर्ष की अधिकांश वैज्ञानिक और इंजीनियर करेंगे हाथ से खारिज के स्वीकृत कानूनों के उल्लंघन के रूप में भौतिक विज्ञान और यदि सत्य के अविश्वसनीय निहितार्थ हैं, किसी चीज की आड़ में असाधारण दीपालमा से संपर्क किया था। CIA 1980 में उसी वर्ष ट्रम्बी ने एक दायर किया अपने स्वयं के मुफ्त ऊर्जा उपकरण के लिए पेटेंट। दीपालमा के अनुसार उन्हें बताया गया था कि अगर उसने अपना काम जारी रखा, मैं अपना सिर उड़ा दूंगा। स्पष्ट रूप से अपने जीवन के लिए डर पालमा नए के लिए संयुक्त राज्य से भाग गया न्यूजीलैंड, जहां उन्होंने दूर तक अपना काम जारी रखा। अमेरिका की चुभती निगाहों से सरकार 1997 तक वह पूरा करने में सक्षम था। पूरी तरह कार्यात्मक का निर्माण, उसकी अंतिम मशीन का अद्यतन संस्करण वह एक अधिकारी पेश करने के लिए निर्धारित किया गया था। ऑकलैंड में डिवाइस का सार्वजनिक परीक्षण जब केवल 2 सप्ताह पहले प्रेजेंटेशन होने वाला था, वह इसके बिना अप्रत्याशित रूप से मर गया। मालिक डी पालमा का शोध और उनका उपकरण थे अवहेलना। लगभग उसी समय ट्रॉमली और डी पालमा अपनी उपलब्धि हासिल कर रहे थे। सफलताओं उनके समकालीनों में से एक था। किसी चीज पर काम करना दुनिया भर में इसी तरह 1980 के दशक के मध्य में एक समय में परमहंस तिवारी परमाणु ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक निगम एक आविष्कार के साथ आगे आया भारत अंतरिक्ष शक्ति जनरेटर कहा जाता है। घूर्णन चुंबकीय सिलेंडर का उपयोग करके उच्च गति पर तिवारी ने दावा किया कि उन्होंने एक बनाया था उपकरण जो उत्पादन कर सकता है 250% से अधिक की दक्षता से ऊर्जा पैदा करने के प्रभाव में अंतरिक्ष का निर्वात। 1986 में तिवारी ने जीता प्रथम पुरस्कार जर्मनी में एक वैज्ञानिक सम्मेलन में पेश है। इस मुक्त ऊर्जा की एक अपरिष्कृत प्रतिकृति युक्ति वहां से उन्होंने काम करना जारी रखा। उसके तकनीकी पहलुओं को पूरा करना युक्ति और उसकी गणना दिन और दिन बाहर कई वर्षों के लिए अंत में 2017 में वह तैयार था। उस वर्ष उसने प्रस्तुत किया कागज का शीर्षक निर्वात के बीच संरचनात्मक संबंध अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉन का सम्मानित भौतिकी निबंध पत्रिका के लिए, जिसमें उन्होंने ठीक ठीक बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉनों का जन्म निर्वात से हुआ था। जगह का तकनीकी का एक विस्तृत रोड मैप मुक्त ऊर्जा के पहलू इस अध्ययन के 2 सप्ताह बाद उत्पादन सबमिट किया गया था। तिवारी की अचानक मौत हो गई, जैसे उसके सामने टेस्ला और डी पालमा बड़े की पूर्व संध्या पर मृत्यु हो गई। उनके जीवन के कार्यों का सार्वजनिक खुलासा शायद अब तक यह देखना आसान है। एडम ट्रॉमली के अपने जीवन के दावे एक बुरे जासूसी उपन्यास की तरह होना सब कुछ नहीं है। वह हास्यास्पद सभी समय और समय के बाद फिर से निकोला टेस्ला परमहंस तिवारी मुक्त के समर्थकों को ऊर्जा रही है। उनके काम पर हमला किया, उनका दबा दिया, वित्त पोषण खींच लिया, उनका जीवन अप्रत्याशित रूप से समाप्त हो गया। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि दमन मुक्त ऊर्जा प्रौद्योगिकी के एक आधिकारिक अभ्यास के बारे में कुछ है। अमेरिका में सभी पेटेंट आवेदन गिरते हैं। आविष्कार के अधिकार क्षेत्र में गोपनीयता अधिनियम जो बताता है कि पेटेंट रोका जा सकता है और नए आविष्कार गोपनीयता के अधीन हैं। आदेश अगर उन्हें राष्ट्रीय के लिए खतरा माना जाता है। सुरक्षा 2020 में लगभग 6000 थे। ऐसे गोपनीयता आदेश प्रभावी हैं जिनमें शामिल हैं एडम द्वारा प्रस्तुत पेटेंट के लिए ट्रॉम्बले का मुफ्त ऊर्जा उपकरण, लेकिन क्यों दबाते और तोड़ते हैं? ऐसा कुछ जो ऐसा लगता है मानवता के लिए इतना फायदेमंद। पूर्व अमेरिकी पेटेंट के शब्दों पर विचार करें, परीक्षक थॉमस वेलोनी जो अस्तित्व का दावा करते हैं एक गुप्त 9 सदस्यीय पेटेंट समिति की, जिसका उद्देश्य किसी की स्क्रीनिंग करना है। आविष्कार जो जीवाश्म की शक्ति को खतरा हो सकता है। ईंधन कंपनियां JP के साथ टेस्ला की दुश्मनी याद रखें। मॉर्गन जो जीवाश्म ईंधन से समृद्ध हो गए थे और बिजली
मुक्त ऊर्जा न केवल चुनौती देती है भौतिकी के स्थापित नियम, लेकिन संपूर्ण की शक्ति संरचना। दुनिया एक संरचना स्पष्ट रूप से पर आधारित है। गैरनवीकरणीय ऊर्जा का प्रसार निश्चित रूप से यह बहुत अधिक नहीं है। सुझाना कि जो लोग अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं, शक्ति डराने धमकाने का सहारा लेंगे, चालाकी यहाँ तक कि एक अंतिम काम करने के लिए हत्या भी, जिसका उल्लेख किया जाना चाहिए। एडम ट्रॉम्बले की मृत्यु कैंसर से नहीं हुई थी, वह विकसित हुआ क्योंकि उसका घर था माइक्रोवेव में। वह आज भी जीवित है और वास्तव में अभी भी मुक्त के कारण पर काम कर रहे हैं। ऊर्जा अपनी परियोजना पृथ्वी संगठन के माध्यम से, यदि इतिहास कोई मार्गदर्शक है तो आप चाहें तो इसकी जांच पड़ताल करें, जबकि आप अभी भी कर सकते हैं।